कांग्रेस और बीजेपी में कौन मारेगा मध्य प्रदेश का चुनावी रण? आखिर मध्य प्रदेश चुनाव में किसका पलड़ा है भारी? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने मुताबिक सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लोगों को लुभाने के लिए एक ओर जहां सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को मात देने के लिए एसपी और बीएसपी संग गठबंधन करने की फिराक में है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ पार्टी आलाकमान से कह चुके हैं कि आगामी चुनावों में बीजेपी को हराने में मायावती की बीएसपी से गठबंधन काफी मददगार होगा। कांग्रेस इसके पीछे साल 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में दोनों दलों को मिले वोट फीसदी को आधार मान रही है, जो करीब करीब बीजेपी के वोट शेयर के बराबर है। कांग्रेस को उम्मीद है कि 15 सालों के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और पार्टी की एकजुटता इस बार काफी कसर पूरा कर देगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार एसपी बीएसपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ें। जाहिर है अगर एसपी बीएसपी कांग्रेस के साथ मैदान में उतरती है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होनी तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूबे में अच्छा खासा यादव वोट बैंक है। इसके अलावा दलितों को लुभाना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला। जहां तक बीजेपी की बात है तो साल 2002 से बीजेपी के सभी सीएम पिछड़े वर्ग से ही रहे हैं। उमा भारती का ताल्लुक जहां लोध समुदाय से है, वहीं उनके बाद सीएम बनने वाले बाबूलाल गौर यादव समुदाय से हैं। 2017 के सिंहस्थ कुंभ में दलित संतों तक पहुंचकर इस समुदाय से नजदीकी बढ़ाई है। ऐसे में अगर बीएसपी कांग्रेस हाथ मिलाती है तो फिर बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंध लग सकता है। हालांकि इस सब के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सूबे में मजबूत बने हुए हैं। साथ ही बीजेपी को उस संघ का भी साथ है जिसकी सूबे में मजबूत उपस्थिति रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखती है या फिर कांग्रेस अपने 15 सालों का वनवास खत्म करने में कामयाब होती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।